इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तो याद ही होगी आपको, भारत में उन्हें खासा पसंद भी किया जाता है। अब उनकी चर्चा एक बार फिर हो रही है, वजह है उनका वो रिएक्शन जो फिलहाल को वायरल भी है। अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों के आने के बाद एनडीए के प्रधानमंत्री चेहरे यानी नरेंद्र मोदी को जहां दुनिया भर से बधाइयां शुभकामनाएं मिल रही है, तो वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने भी अपने खास अंदाज में बधाई दी। यही नहीं, पीएम ने भी उनका जवाब दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है एचसीएन न्यूज में, मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, जहां कांग्रेस ने 99 सीटें। जहां एनडीए गठबंधन की बात करें तो फिलहाल उनके पास आंकड़ा 292 का है और यहाँ इंडिया गठबंधन के पास 240 का आंकड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है, उनकी सरकार आने की बात है, जहां बहुमत फिलहाल एनडीए के पास है। ऐसे में आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र भी सौंपा। बहरहाल इस बीच इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी की जीत पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जमकर तारीफ करते हुए जो बधाई दी है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी नए चुनावी जीत पर और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यही नहीं, पीएम मेलोनी ने दोनों के साथ की तस्वीरें भी शेयर की और खुशी जाहिर की है। इस पर नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी जॉर्जिया मेलोनी, हम भारत इटली राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है, वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। ऐसे में फिलहाल जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ट्वीट्स काफी वायरल हो रहे हैं, जहां इटली के प्रधानमंत्री द्वारा शेयर किया गया वो फोटो भी वायरल हो रहा है, जो G20 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहेंगे कॉमेंट में जरूर लिखें और देखते रहे एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।